Corporal punishment is a deliberate act of giving physical pain to students by hitting, spanking, pinching, and slapping with the hand or with any element. It can have harmful effects on human health, which causes physical and psychological injuries. In Balochistan, no proper legislation on corporal punishment. However, there is a critical need for stronger laws and policies in response to address this issue. Considering the issue, renowned social activist Mir Behram Lehri and senior journalist Mir Behram Baloch, with the support and guidance of Abdul Wadood Khan, Executive Director SEHER, started efforts to get it passed. This important bill from Balochistan Assembly. जितने शायद आज ज़रूरत है corporal punishment के किसी law के लिए, शायद माजी में इतनी ज़रूरत नहीं हो। बहुत अरसे से हम इस पर काम कर रहे थे, क्योंकि आप चाइल्ड प्रोटेक्शन से रिलेटेड जितने भी मसलों पे अगर आप नज़र दौड़ाएंगे तो पीछे आपको ये मसला नज़र आएगा कि कॉर्पोरल पनिशमेंट की वजह से बच्चे जो है वो भागे और वो मुख्तलिफ अवामिल पर उसके साथ अटैच होते गए, चाहे उसको आप ट्रैफिकिंग कर ले या जो है वो किसी तरह के अब्यूज़ और बाकी चीज़ों में। तो इस सिलसिले में 2009 से हम सिविल सोसाइटी के साथ जो मिल के इस पर काम कर रहे थे। हमने एक लॉ ड्राफ्ट कर लिया जो 2011 तक उस पर मुख्तलिफ सिविल सोसाइटी और पार्लियामेंटेरियन की कंसल्टेशन सारी कंप्लीट हमने की। 2011 में चूँकि एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो मदर ऑर्गेनाइजेशन बनती है इस लॉ के लिए, चूँकि इसका डायरेक्ट ताल्लुक जो है वो स्कूलों से है, तो वहाँ पर हमने बुनियादी तौर पर इसको सबमिट किया था। और बहुत सारे हम लोगों के फॉलोअप और कोशिशों के बाद भी सरखाने का शिकार हो गया। बहुत अरसा हम इसके पीछे जो है लगे रहे, लेकिन फिर हुकूमतें बदलती रहीं, शायद इंटरेस्ट का वो लेवल भी नहीं रहा, तो काफ़ी अरसा गुजर गया। अब मौजूदा जो हुकूमत वजूद में आई, इसमें मैडम रईला दुरानी ने इंटरेस्ट शो किया है, जिसकी वजह से हमारा ये ख्याल है कि वो तसलसल जहाँ से टूटा था उससे एक दफ़ा फिर उसको जो जोड़ने की ज़रूरत है, ताकि हमारे बच्चे महफूज हो सके। क्योंकि इस वक्त तक हमारे बच्चे अपने घरों, गलियों से लेके जो है वो स्कूलों और मैदानों तक महफूज नहीं है। जी, बुनियादी तौर पर जो मामला हम लोगों को समझ आया इतने अरसे से, ये सरखाने का शिकार जो है वो बुनियादी तौर पर ब्यूरोक्रेसी की वजह से हुआ है, क्योंकि उनका वो इंटरेस्ट नहीं बन पा रहा था। और दूसरी तरफ जो आपके जितने भी मतलब नुमाइंदगान आते हैं, उन्होंने भी शायद उस तरह इंटरेस्ट नहीं लिया। लेकिन पीछे एक रीज़न मुझे ज़रूर समझा कि बहुत सारी मीटिंगों से जो हलाल ऐलान तो नहीं कहा गया, लेकिन हम लोगों को बात ये समझ आई कि इस्लाह को सबसे ज़्यादा जो मुखालफत कहीं ना कहीं जो है वो असातिज़ा और उनकी नुमाइंदा तंजीमें करती, जिसको हुकूमती जो अहदेदार हैं वो कोशिश करते हैं कि अपने आप को इससे मतलब बचा के रखें, जिसकी वजह से वो उस तरह का इंटरेस्ट शो नहीं करते जिस तरह उनको शो करना चाहिए। तो पर जब हमने इस्लाह को उस वक्त जो ड्राफ्ट किया था, तो उस वक्त ये बात हो रही थी, एक स्टीयरिंग कमेटी होती थी हमारी, उसमें ये बात डिस्कशन हुई थी कि मतलब इसको दो फेजेज़ में करना चाहिए। पहला फेज़ इसका एक नोटिफिकेशन होना चाहिए और दूसरा ये है कि इस पर जो है वो कानून साजी होनी चाहिए। हमने वो नोटिफिकेशन भी ड्राफ्ट किया था कि था वक्त के ला बनते हैं, तो वो नोटिफिकेशन बदकिस्मती से उस नोटिफिकेशन पे भी ये वाला खदगन लगा कि चूँकि अगर ये जिस तरह ये नोटिफिकेशन लिखा हुआ है वो कहीं ना कहीं आप समझ लें कि इसका छोटा वर्जन था, जो ला हम लोगों ने ड्राफ्ट किया उसका छोटा वर्जन था। तो वो शायद हुकूमती अहदेदारों को, उस वक्त के जो अहदेदार थे, उनको ये लग रहा था कि अगर फ़र्ज़ कर ये नोटिफिकेशन चूँकि वो डिपार्टमेंट से निकलना था, अगर डिपार्टमेंट से निकला तो इसका बहुत शदीद रिएक्शन जो है वो जो असातिज़ा की जो तंजीमें हैं उससे आएँगे, और उसकी वजह से ये हो सकता है कि स्कूल जो है वो खाली हो, हड़ताल हो। इसलिए उन्होंने वो ड्राफ्ट तो हमसे ले लिया, लेकिन उस ड्राफ्ट के नोटिफिकेशन को नहीं निकाला और एक बिल्कुल ही हल्का सा नोटिफिकेशन जिसका कोई मतलब नहीं है, उर्दू में एक नोटिफिकेशन निकाला और उसको हर साल जो एक्सटेंड करते हैं, उसका होना ना होना एक बराबर है। मुझे कवी इम्कान है दो वजह से, एक तो मैडम रईला का अपना बैकग्राउंड, उसको कानून साजी की ज़्यादा समझ भी है, मतलब वो स्पीकर भी रही और इसके अलावा बहुत सारे MPA भी रही है। मेरा ये ख्याल है कि जब से हमने इसको ड्राफ्ट किया उस वक्त से लेके अभी तक कोई फ़ीमेल वज़ीर नहीं आई थी। मेरे हिसाब से ये ज़्यादा बेहतर होगा कि ख़वातीन को ये बात ज़्यादा समझ आती है कि बच्चे किन गो मसाइल का शिकार होते हैं मारपीट की वजह से। तो मेरा ख्याल है कि सॉफ्ट कॉर्नर इसमें ज़्यादा होगा और होपफुली इस वाले टेनोर में ये हो जाएगा। मुख्तलिफ द्वार में मुख्तलिफ लाभ पर थोड़ा बहुत इनपुट रहा है मेरा, और आज जिस हवाले से हम बात करने जा रहे हैं कि स्कूलों और मदरसों में बच्चों पर जो तशद्दुद किया जाता है, आए दिन उसके वाक़यात बढ़ रहे हैं, लेकिन हम देखते हैं कि महकमा तालीम की तरफ से सिर्फ एक ऑर्डर या नोटिफिकेशन आता है, क्योंकि इस सूबे में उसका कोई ला मौजूद नहीं है, तो हम उस ला का या उस ऑर्डर का कोई वैल्यू नहीं होगा। जब तक इस पर कोई कानून साजी नहीं किया जाएगा, जैसे हम देखने में आ रहे कि 2008 से अब्दुल वदूद साहब और शहर ने मिलकर इस पर मुख्तलिफ अदवार में ड्राफ्ट बनाकर हुकूमतों को दिया है, लेकिन अभी तक वो असम्बली की तरफ जो है ना कानून साजी की तरफ नहीं गया है। हम उम्मीद रखते हैं कि हम मिलकर इस दफ़ा 2024 या 25 तक जो ला है और ख़ास तौर पर मदरसों पर के अंदर आप देखते हैं कि बच्चों पर हद से ज़्यादा तशद्दुद किया जाता है और वो गिनती में नहीं आता है। और वो जो नोटिफिकेशन अभी भी पिछले हफ्ते एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है वो उसको आप देख लें, उसमें लिखा हुआ स्कूल, उसमें मदरसों का जिक्र नहीं है। तो इस चीज़ को जो है हमारे यहाँ एक रस्म या रवायत बन गया है, उसको ख़त्म करना पड़ेगा। और ख़त्म करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये कि हुकूमत बलोचिस्तान, वजारत तालीम और मौजूदा जो मिनिस्टर तालीम है मिस रायला हमी दुरानी साहिबा, जिनका अपना बैकग्राउंड तालीमी बैकग्राउंड और एक सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, तो इस चीज़ को अहमियत देकर और इसको जल्द से जल्द इस मसले को हल की तरफ ले जाएंगे। और उम्मीद करते हैं कि जब भी इस पर ला बनेगा उसके बाद इसके रूल ऑफ बिज़नेस पर भी जल्दी अमल किया जाएगा। शुक्रिया। नया बिल बलूचिस्तान में जिसके हवाले से जो स्कूलों में तशद्दुद होता है बच्चों पर, इस हवाले से मैं और मेरे हमनाम बहराम मिलकर इस पर काम करना चाहते हैं। इसका ज़रूरत किस वजह से पैदा हुआ वो इस तरह से है कि इस पर सहर और वदूद साहब 2008 से इस पर काम कर रहे थे। फिर उन्होंने मुख्तलिफ अदवार में इस बिल को एजुकेशन डिपार्टमेंट तालीम के महकमे तक उन्होंने जमा की, लेकिन इस पर कुछ खातिर ख्वाह काम नहीं हो सका। ये बिल हमारे साथ मौजूद है और हमें वदूद साहब ने दिया है। और इसकी जो इब्तिदा दोबारा जो हुई है, एक जो हमारे मिनिस्टर है रायला दुरानी साहिबा, एक व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कशन हुई थी और वहाँ पर जो बात हुआ कि भाई बच्चों पर कुछ न्यूज़ ब्रेक हुआ था कि तशद्दुद हुआ है स्कूलों में, तो उस पर फिर यही कहा गया कि नोटिफिकेशन तो होती है लेकिन किस कानून के तहत उनको आप रोकोगे। तो कानून बलूचिस्तान में मौजूद नहीं है। 18वीं तरमीम के बाद जैसे आप सबको पता है कि सूबे ख़ुद मुख्तार हैं और ख़ुद अपना कानून साजी बना सकते हैं। तो हमने ये बिल पहले भी शहर ने जमा किया था एजुकेशन डिपार्टमेंट में, अब इसका एक कापी हमें मिला है। हमें इसको एक दफ़ा फिर दोबारा इसकी इब्तिदा करेंगे, स्टार्ट करेंगे और इस पर बिल पर हम काम करेंगे, कोशिश करेंगे कि ये बिल बलूचिस्तान में पास हो और हमारे जो बच्चे स्कूलों में, मदरसों में, प्राइवेट स्कूलों में जो तशद्दुद का शिकार हो रहे हैं उनसे जो है बचाया जा सके। शुक्रिया।